Hello students, we have already started the chapter Memories of the Childhood and we have half part studied of cutting of my long hair. In continuation of that, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी narrator है वो hostel में चली गई है, वहाँ पर खाना खाना और rules उसको difficult लग रहे थे, but दैट दिस और दैट वे मैनेज कर लिया. बट उसको बाद में पता चला कि इंडियन गर्ल्स के लॉन्ग हेयर को काट दिया जाएगा. बट नरेटर के माइंड में उसकी मदर ने अपने इंडियन कल्चर को डाला हुआ था कि छोटे बाल या तो डरपोक लोगों के होते हैं या फिर एनिमी के द्वारा जो सोल्जर्स पकड़े जाते हैं उनके होते हैं या फिर मॉनस या दुख पर मौत पर बाल कटवाए जाते हैं. तो वो इसे बुरा मानती थी और वो नहीं चाहती थी बाल कटवाना. तब जुडविन जो इसकी फ्रेंड बनी थी उसको उसने बोला कि आई विल नॉट सबमिट, मैं सरेंडर नहीं करूँगी. नाउ आई वॉच्ड माय चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड. जैसे ही नरेटर को मौका मिला तो वो गायब हो गई. आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्विकली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़. अब उनकी जो नरेटर के शूज़ थे वो चेंज करवा दिए गए थे. जब बाकी लोगों ने जैसे पहले पहने हुए थे, क्लैटरिंग साउंड आ रही थी, वैसे स्क्वीकिंग शूज़ पहन लिए, लेकिन वो धीरे दबे पाँव से छिप कर निकल गई. My moccasins had been exchanged. मेरे जो moccasins थे, soft shoes थे, वो बदल दिए गए थे. Along the hall I passed. जहाँ पर इन्होंने dining hall में खाना खाया था वहाँ से वो गुजरी. Without knowing whither I was going. अब narrator ये नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि अभी नहीं first ही है और उसको कोई रूट्स का, स्कूल के अंदर का रास्तों का कुछ पता नहीं था. टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, सिर्फ ये छिपने के लिए जा रही है कि इसके बाल ना कटें. तो एक दरवाज़ा खुला हुआ था, उसकी साइड पर चली गई. आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट. मेरे को एक बड़ा सा रूम दिखाई दिया और उसमें 3 वाइट बेड्स थे. कौन से रूम में होते हैं वाइट बेड्स? मेडिकल रूम में. तो ये मेडिकल रूम था. The windows were covered with dark green curtains. Medical room में ही होता है या hospitals में होती हैं, तो dark green curtains थे which made the room very dim, जिससे काफ़ी रोशनी जो थी कम आ रही थी. Thankful that no one was there. वहाँ पर कोई नहीं था. She was very happy. I directed my steps toward the corner farthest from the door. तो दरवाजे से जो कोना दूर पड़ता था वहाँ पर हमारी नरेटर चली गई. ऑन माई हैंड एंड नीज आई क्रॉल अंडर द बेड. घुटनों के बल, हाथों और घुटनों के बल वो बेड के नीचे छिप गई. एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया. हडल्ड मीन्स दुबक कर बैठ जाना. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड. पियर्ड मीन्स झांक कर देखना. Peered out. मैं जहाँ छिपी हुई थी वहाँ से मैं बाहर देख पा रही थी. Shuddering with fear. Shuddering, trembling. डर के मारे मैं कांप रही थी. Whenever I heard footsteps nearby. जब भी मुझे कोई कदमों की आवाज़ आती थी कि मेरे पास आ रही है, मेरे पास कोई आ रहा है. Though in the hall loud voices were calling my name. लोगों ने इसको ढूंढना शुरू कर दिया था कि कहाँ गई, और मेरे नाम को पुकारा जा रहा था. एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन, और मैं जानती थी कि जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि जुडविन भी मुझे ढूंढ रही है. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर. मैंने अपने आप पर कंट्रोल रखा. छोटे बच्चे अगर छिप जाएँ तो उनको आवाज़ लगाओ तो वो बोल देते हैं कि येस, हाँ मैं यहाँ हूँ. तो थी कि मैंने पूरा कंट्रोल किया मैंने अपने आवाज़ को. देन द स्टेप्स वर क्विकन, तेज़ हो गए कदम. एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और
उत्तेजना भरी आवाज़ें, लोग आवाज़ें लगा रहे हैं। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाज़ और पास आती रही। विमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, औरतें और लड़कियां कमरे में एंटर कर गई जिस रूम में हमारी नरेटर छिपी हुई थी। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पी बिहाइंड द लार्ज ट्रंक्स। मैंने अपनी सांस रोक के रखी हुई थी, आई हेल्ड माई ब्रेथ, और मैंने देखा कि वो मुझे जो वहाँ पर बॉक्सेस पड़े थे, ट्रंक्स पड़े थे और अलमीराज थी, क्लोजेड डोर्स, उनको खोल खोल कर देख रहे हैं। समवन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने कर्टन हटा दिए। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, अचानक रूम में लाइट आ गई। वट कॉज देम टू स्टूप, स्टूप मीन्स झुकना, किस कारण से वो झुके। एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, क्या रीज़न था वो नीचे झुके, सब लोग या कुछ लोग, और मैं उन्हें मिल गई, मुझे नहीं पता किस कारण से। आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट दो आई रिजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मुझे सिर्फ ये याद है कि उसके बाद कि मुझे वहाँ से खींचा गया और मैंने विरोध किया, अपने हाथ पांव मारे, किक करती रही और स्क्रैचिंग वाइल्डली, हाथों से भी मैं स्क्रैच कर रही थी। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, मेरी इन सब रिवोल्ट के बाद भी मुझे खींच कर नीचे ले जाया गया और मुझे एक चेयर के साथ बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। तो मैं चिल्लाती रही जब तक मेरी गर्दन पर कैंची के ठंडे ब्लेड्स नहीं लगे। एंड हर्ट देम ग्नॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, ब्रेड्स बेटा चोटी होती है, और ग्ना मीन्स कट, और मैंने आवाज़ सुनी कि मेरी मोटी चोटी को कट कर दिया गया है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब तो मेरी आत्मा ही खो गई। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज डिसरिस्पेक्ट, जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था मुझे अपमान ही सहना पड़ा था, इनडिग्निटीज डिसरिस्पेक्ट ही हो रही थी मेरी। पीपल हैड स्टेयर्ड मी, लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। आई हैड बीन टूस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, जैसे ही बाल कट गए तो मुझे उस चेयर से उछाल दिया गया जैसे कि मैं लकड़ी की कठपुतली हूँ। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वर शिंगल्ड लाइक कावर्ड्स, अब मेरे लंबे बाल डरपोक लोगों की तरह छोटे छोटे हो गए थे। इन माई एंग्विश पेन आई मॉन्ड फॉर माई मदर, मॉन्ड होता है कराना, मैं अपने दुख में अपनी मदर को लिए रो रही थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मुझे कोई भी चुप कराने या पुचकारने नहीं आया। बेटा घर में भी सबसे पहले मदर ही आती है, छोटे होते से आप देख लो कि अगर आप कभी भी गिरे हो तो मदर का फर्स्ट स्टेप रहता है, तो इसलिए सबसे पहले मदर ही याद आती है, या गिरते भी हैं तो ओ माँ निकलता है, तो हर कंट्री में सेम रहता है मदर के साथ कनेक्शन। नॉट अ सोल रीज़न क्वाइटली विद मी, किस कोई भी मुझे कोई लॉजिक देने नहीं आया कि कोई बात नहीं, मुझे समझाने नहीं आया। एज़ माई मदर ऑन मदर यूज़ टू डू, जैसे मेरी अपनी मदर मुझे समझाया करती थी। फॉर नाउ आई वॉज़ वन ऑफ द मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, अब मैं उन एनिमल्स में से एक थी जो चरावा चरा रहा था, मींस मैं स्कूल के बच्चों की तरह ही थी, बाकी स्कूल्स के जो वार्डन के या फिर जो स्कूल रूल्स थे उनको फॉलो करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास, रीड द चैप्टर प्रॉपरली एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।